हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल फ्री एमपी स्टडी पर स्वागत है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं के विषय इंग्लिश का पूरा हल देखने वाले हैं, जो कि सेट सी है। तो ध्यान रखें, यह सेट सी इंग्लिश कक्षा 12वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड के पेपर का पूरा हल है। तो आइए, आप यहाँ से हम शुरू करते हैं। हमारा ये पहला प्रश्न दिया गया सेक्शन ए का, जिसमें हमारे लिए पहले का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन दूसरे का आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह से हमारे लिए बाकी के सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसका भी आंसर सी है, द लेबरियस हु कम इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका भी सी आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर इसका डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। इंडियन लेबरियस सफरिंग फ्रॉम बैक प्लेज, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बी नंबर का, ब्लैक प्लेज। और क्वेश्चन नंबर 6 जो कि सेक्शन बी से है, इसका आंसर यहाँ पर दिखाया गया है। इसके लिए आप अच्छे से देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह से सभी वीडियोस के आंसर आपके लिए सॉल्यूशन सहित लेकर आने वाला हूँ। तो यहाँ पर इसके लिए नोट करते जाएँ और लिखते जाएँ। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दिया जा रहा है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। इसके लिए आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। फिर आता है प्रश्न नंबर 9, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दिया गया है, ये इतना आपके लिए लिख लेना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया गया है, 25-30,000 डॉलर एज अ लोअर, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर था। फिर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आता है, इसके लिए लिखेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दिया गया है, 12 का भी है और 13 का। 13 में आपके लिए नोट्स बनानी है और, ठीक है, और 14 में आपके लिए समरी और टाइटल लिखना है। तो 80 वर्ड में आप समरी लिखेंगे और नोट्स बनाएंगे आप। कुछ मेन मेन जो आपके पॉइंट हैं उनके लिए आप नोट करते जाएंगे, तो ये आपका नोट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से समरी में भी आप जो नोट बनाती हैं उसमें से जो आपकी मेन पॉइंट हैं उनके लिए आप समरी में लिख सकते हैं, और टाइटल के लिए आपको उसमें फाइंड करना पड़ेगा आपकी जो बेसिस दी गई है, ठीक है। तो इस तरह से आपके लिए 14 का आंसर खुद से करना है। फिर आता है आपके क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, इसमें आपके लिए लेटर लिखना है। तो यहाँ पर आप इसमें चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, फ्रेंड की आ गई राखी लिख देना है, या राकेश अगर आप लड़की हैं तो राखी लिखेंगे, या फिर राकेश। उसी तरह से यहाँ पर ब्रदर की जगह पे आपको ये सिस्टर लिखना है, तो आपका ये लेटर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपका ये लेटर हो जाता है। अब आगे प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 16, जिसका अथवा का प्रश्न दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा, तो यहाँ पर लॉस्ट वाला है मंडे अ ब्लैक ब्रीफ केस, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये आपके लिए पूरा बनाना है और इसके लिए नोट करते जाएंगे। फिर प्रश्न नंबर 17 है, जिसमें आपके लिए कोई 10 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो ये आपके डू एज डायरेक्ट हैं, तो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं आपके। तो यहाँ पर पहले से लेके 5 तक के सभी प्रश्न दिखाए गए हैं, इनको सॉल्व करके यहाँ पर लिखा गया है। डू एज डायरेक्ट हैं ये। फिर इसके बाद में आपके 5 से लेके 10 तक के यहाँ पर दिखाए गए हैं, ठीक है। तो इनके लिए लिखते जाइए। तो ये आपके कोई 10 थे, तो ये देखना है आपको कि ये किसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आता है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 18 का है, जिसमें आपके लिए क्या लिखना है। 18वें क्वेश्चन में एक इंट्रोडक्शन, मतलब वो निबंध लिखना है, जिसका यहाँ पर इंट्रोडक्शन रहेगा, चेंजिंग रूल ऑफ न्यूज़पेपर। तो इस प्रकार से यहाँ पर न्यूज़पेपर पर आपने एक क्या करना है, ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर ऐसे लिखा गया है, इसके लिए नोट करते जाएँ और लिखते जाएँ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 आता है, जिसका आपका हो जाएगा, क्वेश्चन 19 का हो जाएगा सी का आंसर, टेनिस। और क्वेश्चन 20 का हो जाएगा बी नंबर का आंसर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें लिखा गया है बी का आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा 800 रुपीज़, ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा ए, ए का उत्तर हो जाएगा ए कनिस्टर, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, 23वें प्रश्न का उत्तर है ए नंबर का, और 24वें प्रश्न का उत्तर है डी नंबर का। फिर क्वेश्चन नंबर 25, 26 यहाँ पर इनके उत्तर दिखाए जा रहे हैं, 27, ये 27 का उत्तर है, इसके लिए लिख लेंगे। इसके बाद में अगले क्वेश्चन आता है आपका 28वां, जिसका आंसर यहाँ पर ये दिखाया गया है, इसके लिए आप नोट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दिखाया जा रहा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, तो 29वें क्वेश्चन का आंसर है ये। तो इसके लिए आप अपने उत्तर पुस्तिका में नोट कर लें, या तो वीडियो रोक करके लिख सकते हैं, अपने दोस्तों में भी शेयर करते हैं, ठीक है, ताकि उनकी भी मदद हो जाए। इसी प्रकार से आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है, जो कि अथवा का है। तो इसके लिए लिखेंगे, यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है, ये दूसरा पॉइंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर है तीसरा पॉइंट, और ये उसके बाद में
यहाँ से आपका ये चौथा पॉइंट है, ये आपका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और ये आपका पांचवा पॉइंट दिया गया है यहाँ, जहाँ भी ब्लैक है यहाँ से आपका फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा। ये फिफ्थ पॉइंट है, यहाँ पर हो जाता है आपका प्रश्न नंबर 30 का पूरा उत्तर। आता है प्रश्न नंबर 31, तो यहाँ पर 31वें प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है, तो ये हो जाएगा इसका 31 का उत्तर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32, 32वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है जिसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, इसके लिखते जाइए। और साथ में अगर आप वीडियो पसंद आती है आपको तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।